हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़ीज़ बोहरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेब पाठशाला में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। पहला टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। कुछ किताबों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिया है, कुछ किताबों में विद्युत बल रेखा दिया है, दोनों एक ही हैं। तो आज हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिससे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? एक वक्र है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? वक्र है। कैसा वक्र है कि अगर उस वक्र पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। हमको पता है कि अगर हमारे पास धनावेश है तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? बाहर की ओर। अगर ऋणावेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी रहती है? अंदर की ओर। अब अगर दो बिंदु आवेश रखे एक दूसरे के पास तो यहाँ से धनावेश विद्युत क्षेत्र की रेखाएँ कैसी, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी रहेगी? बाहर की ओर रहेगी। और जो ऋण आवेश है, इस ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी रहेगी? अंदर की ओर रहेगी। तो दो बिंदु आवेशों के लिए कुछ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रहेगा। अब ये जो रेखाएँ हैं, इन रेखाओं को ही हमने क्या कहा है? विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। ये रेखाएँ हैं, इन रेखाओं को ही हमने क्या कहा है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब इनकी परिभाषा क्या दी है कि ये वक्र है, ये वक्र दिख रहा है, ये वक्र बना हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? एक वक्र है। अब कैसा वक्र है कि इस वक्र के अगर किसी बिंदु पर हम क्या खींचे? एक स्पर्श रेखा। मान लो इस बिंदु पर मैंने क्या खींच दी? एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, इस बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो ये स्पर्श रेखा क्या बताएगी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है? मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की यह दिशा है। इसी प्रकार से अगर इस बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींचना है तो ये इस बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा क्या बताएगी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है? ये है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या है? एक काल्पनिक वक्र है। मतलब वास्तव में ऐसा कोई रेखाएँ रहती है क्या? नहीं रहती, एक काल्पनिक वक्र है। अब कैसा वक्र है कि अगर इस वक्र पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर हमें क्या बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? काल्पनिक वक्र है, और उस वक्र के किसी बिंदु पर अगर हम कोई एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। फिर अगला टॉपिक क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अगला टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो सबसे पहला गुण क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का? सबसे पहला गुण क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कैसी रहती है? धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण क्या है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगी? हमेशा धन आवेश से स्टार्ट होगी। मतलब धन आवेश से स्टार्ट होगी और कहाँ पर जाके ख़त्म होगी? ऋण आवेश पर जाके ख़त्म होगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण क्या है कि वह धन आवेश से स्टार्ट होती है, मतलब धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर जाकर ख़त्म होती है। फिर उसके बाद उसका दूसरा गुण, अब दूसरा गुण क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। कि अगर हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे तो स्पर्श रेखा क्या बताएगी कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ये दूसरा गुण हो गया। अब उसके बाद तीसरा गुण, अब ये जो रेखाएं रहती हैं, ये रेखाएं बंद वक्र नहीं होती। बंद वक्र मतलब अगर इस बिंदु से स्टार्ट हुई तो घूम फिर के वापस इसी बिंदु पर अगर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बंद वक्र। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है क्या? नहीं। देखो, ये यहाँ से धनावेश स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो गई, यहाँ पर जाके ख़त्म हो गई। अब यहाँ से वापस यहाँ आ रही है क्या? नहीं आ रही, सब यहाँ से निकल रही है, सभी धनावेश से बाहर निकल रही है। लेकिन धनावेश के अंदर कोई भी आ रही है क्या? नहीं। तो ये जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर ख़त्म हो रही है क्या? नहीं हो रही।
इसलिए कैसा बंद वक्र है क्या? नहीं, ये कैसा वक्र होती है? खुला वक्र। तो ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। अब चौथी विशेषता क्या है? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी क्या? नहीं काटेगी। अब क्यों नहीं काटेगी? मान लो कोई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। ये मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है। इन दोनों विद्युत क्षेत्र रेखा ने अगर मान लो एक दूसरे को काट दिया तो क्या होगा? अब इस बिंदु पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो इसके लिए स्पर्श रेखा ये इस दिशा में होगी और इस विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए स्पर्श रेखा इस दिशा में रहेगी। तो इसने क्या बता दिया? कि इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी है और इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की विद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी है। तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो सकती है क्या विद्युत क्षेत्र की? नहीं, एक ही बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी काटेगी क्या? नहीं काटेगी। तो ये हमारी चौथी विशेषता हो गई। अब उसके बाद पांचवी विशेषता क्या है? कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास रहेगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा रहेगी। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर रहेगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम रहेगी। मतलब अगर यहाँ पर इतनी जगह में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास पास है मतलब यहाँ पर तीव्रता कैसे ज़्यादा है, यहाँ पर दूर दूर है मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कम है। तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है? अधिक होती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, छठा पॉइंट क्या कहता है? कि अगर हमने समांतर रेखाएं बनाई है, कैसी रेखा बनाई? समांतर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बनाई है। तो समांतर रेखाएं किसको दर्शाती है? एक समान विद्युत क्षेत्र को। यहाँ पर भी दूरियाँ उतनी है, यहाँ भी दूरी उतनी है, यहाँ भी दूरी उतनी है, तो मतलब जितनी तीव्रता यहाँ पर रहेगी उतनी तीव्रता यहाँ पर रहेगी, उतनी तीव्रता यहाँ पर रहेगी, मतलब किसको दर्शाएगा? एक समान विद्युत क्षेत्र को। तो एक समान विद्युत क्षेत्र अगर बनाना है तो उसको हम किससे दर्शाएंगे? समांतर रेखाओं से। तो पहली विशेषता तो क्या थी? कि ये धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरी विशेषता क्या थी? कि ये कैसी होती है? खुला वक्र होती है। बंद वक्र होती है क्या? बंद वक्र मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर ख़त्म होगी। खुला वक्र ये कैसी रहती है? बंद वक्र रहती है क्या? नहीं रहती है। कैसी रहती है? खुला वक्र। फिर तीसरी विशेषता क्या थी? कि अगर इसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा किसको दर्शाएगी? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ये क्या थी? हमारी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता क्या थी? कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास रहेगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिशा रेखाएं दूर दूर रहेगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम रहेगी। और छठी विशेषता क्या थी हमारी? कि अगर एक समांतर रेखाएं बना रहे हम तो समांतर रेखाएं किसको दर्शाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र को। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।